इलेक्ट्रोमैकेनिकल का मतलब है बिजली एवं यंत्र परिकरण के अनुसंधान करना। इलेक्ट्रोमैकेनिकल, यह दो का संपर्क से ही इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम है। इन दोनों परिक्रमों के संपर्क से होने वाले संघर्ष को ही इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम कहते हैं। सिंचाई परियोजना में इस संयंत्र का काम बहुत अहम है। MEIL अपने 3 दशक के सफर में मैकेनिकल कामों में कई सफलताएं प्राप्त की हैं। इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंजीनियरिंग क्षेत्र में भेल, एनरिज, जेलम, ABB, क्रॉम्पटन, क्रॉम्पटन ग्रीव्स, वेग जैसे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठित कंपनियां MEIL द्वारा शुरू की गई अनेक परियोजनाओं में भागीदारी बनी है। अधिक क्षमता वाले आधुनिक मोटर पंप को यूरोप, चीन देशों से आयात कर उन्हें परियोजना आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार करती है। गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में करीब 15 सालों से कई सिंचाई परियोजनाओं को निर्धारित समय में निर्माण पूरा करने का खिताब MEIL को मिला है। सिंचाई क्षेत्र के इतिहास में विश्व में ही सबसे अनोखा मानने वाले कालेश्वरम, हंद्री नीवा, पट्टी सीमा, नर्मदा क्षिपा जैसे कई परियोजनाओं का निर्माण कर MEIL ने अपना नाम और ऊंचा किया। इस तरह के बड़े पैमाने पर बनने वाले पंपिंग केंद्रों में कई तकनीकी समस्याएं आती हैं, लेकिन मेघा द्वारा विश्व स्तर पर बनाए गए कालेश्वरम परियोजना हो या 2012 में शुरू किया गया हंद्री नीवा में या 2016 में प्रारंभ किया गया पट्टी सीमा परियोजना में कोई भी इलेक्ट्रोमैकेनिकल समस्या के बिना ही सफलता पूर्वक बनाई है। जल निकासी क्षेत्र में कालेश्वरम परियोजना के तहत बनाई गई गायत्री पंप हाउस एक इंजीनियरिंग क्षेत्र में अद्भुत निर्माण है। गायत्री पंप हाउस 470 फीट की गहराई से जमीन तक पानी पंप करता है। कालेश्वरम परियोजना में पंप हाउस के निर्माण की अधिकतर जिम्मेदारी मेघा कंपनी की है। कालेश्वरम परियोजना में कुल 19 पंप हाउस हैं, जिनमें से 15 पंप हाउस MEIL द्वारा बनाए गए हैं। इस परियोजना में कुल 110 मशीन हैं, जिनमें से 104 मशीनें मेघा ने निर्माण किया। कालेश्वरम पैकेज 8 में 139 मेगावाट की क्षमता वाली 7 मशीनों को भूमिगत में स्थापित किया गया है, जो कि एक विश्व रिकॉर्ड है। हर एक मशीन का वजन करीब 2376 टन है। इस पूरे परियोजना के लिए कुल 7200 मेगावाट बिजली की व्यवस्था की गई है। यह तेलंगाना के कुल आवश्यकता का एक तिहाई है। पंप हाउस के बिजली आपूर्ति के लिए 400 किलोवाट सबस्टेशन का निर्माण किया। चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में इतने भारी बिजली के मशीनों को स्थापित करना कोई आसान काम नहीं है। कालेश्वरम प्रोजेक्ट लिंक 1 में प्रत्येक मशीन की क्षमता 40 मेगावाट है। केवल लक्ष्मी पंप हाउस में 17 मशीन हैं। इनकी कुल क्षमता 680 मेगावाट है। हंद्री नीवा मालिया पंपिंग स्टेशन की कुल क्षमता 60 मेगावाट है। कालेश्वरम परियोजना के निर्माण से पहले हंद्री नीवा एशिया में सबसे बड़ा और सबसे लंबा पंपिंग स्टेशन के लिए जाना जाता था। इसके पहले चरण में 12 केंद्र और दूसरे चरण में 18 केंद्र हैं। पहले चरण में पहला पंपिंग स्टेशन मालिया के पास कृष्णा नदी श्रीशैलम की ऊपरी इलाके में निर्माण किया गया था। 5 मेगावाट क्षमता वाले इस पंपिंग स्टेशन में कुल 12 मशीनें बनाई गई। पानी के पंप की औसत ऊंचाई 38 मीटर है। 8 वर्षों से यह परियोजना सफलतापूर्वक चल रही है। पट्टी सीमा उत्थान योजना के तहत सबसे कम समय में 2 प्रमुख नदियों कृष्णा और गोदावरी को जोड़कर इतिहास बनाया और लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कर लिया। डायाफ्राम दीवार तकनीक का उपयोग करते हुए पट्टी सीमा पंप हाउस में कुल 24 मशीनें स्थापित की गई हैं, जो एशिया के सबसे बड़े पंपिंग सिस्टम में से एक है। MEIL ने इलेक्ट्रोमैकेनिकल क्षेत्र में इतिहास बनाया है। पालमुरु रंगारेड्डी परियोजना से इसने इतिहास को फिर से दोहराया। इस परियोजना में प्रत्येक मशीन में 140 मेगावाट क्षमता वाली इलेक्ट्रोमैकेनिकल व्यवस्था की गई है, जो कि कालेश्वरम के तुलना से भी अधिक है।